हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशन राबदिया। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में सरकार का काम कैसे होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सरकार लोगों की आवाज और वोट से हाई बनती है। आपको पता होगा कि इंडिया में सरकार बहुत सारे लेवल्स पर वर्क करती है जहां कई लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। यू आर वॉचिंग इनसाइड इंडिया पॉलिटिक्स चैनल। पहले हम देखेंगे कि सरकार का सेंट्रल लेवल पर काम कैसे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। इन लोगों के द्वारा सरकार पॉलिसीज बनाई जाती है और ये पॉलिसीज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए इन्फोर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल पॉलिसीज बनाने में होता है। ए फ्लैट हम देखेंगे कि सरकार का स्टेट लेवल पर काम कैसे होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पॉलिसीज बनाती है और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का काम एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में होता है। स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो स्टेट के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आखिर में हम देखेंगे कि सरकार का लोकल लेवल पर काम कैसे होता है। लोकल गवर्नमेंट एक पंचायत होता है जहां लोग अपने एरिया के लिए पॉलिसीज बनाते हैं और उन पॉलिसीज को एनफोर्स करते हैं। लोकल गवर्नमेंट का काम स्ट्रीट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में होता है। लोकल गवर्नमेंट के हेड ग्राम प्रधान होते हैं जो अपने एरिया के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में सरकार का काम कैसे होता है। इंडिया में सरकार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के द्वारा बनती है और इसमें लोगों की आवाज और वोट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आईली हिम हमेशा अपने सरकार के पॉलिसीज और काम को फॉलो करना चाहिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने सजेशंस देना चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया में सरकार का काम बहुत हाई कॉम्प्लेक्स और वास्ट होता है। आईली हमने ये वीडियो में सिर्फ सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में हाई बताया है, लेकिन सरकार के काम में बहुत से अदर डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जुडिशरी, आर्म्ड फोर्सेस और पब्लिक सर्विसेज। इन सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा सरकार अपने सिटीजंस को बेटर सर्विसेज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सरकार के पॉलिसीज और काम को इम्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सिटीजंस के ओपिनियंस और वोट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आईली हम अपने सरकार के पॉलिसीज और काम को क्रिटिकली एनालाइज करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अपने सरकार के काम और पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और हमारे टैक्स मनी से सरकार के काम में इन्वेस्ट करते हैं। आईली हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे टैक्स मनी कैसे यूज होता है और सरकार के पॉलिसीज और काम कितने इफेक्टिव है। सरकार के काम में बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हम अपने सरकार के काम और पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए और सरकार के वर्क को फॉलो करते हुए अपने राइट्स के बारे में भी नॉलेजेबल होना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में सरकार का काम बहुत हाई जरूरी और इम्पैक्टफुल होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सरकार लोगों के वोट और ओपिनियंस के आधार पर बनती है और लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सरकार के काम में बहुत से इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर। इन सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा सरकार अपने सिटीजंस को बेटर सर्विसेज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सरकार के पॉलिसीज और काम के इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें हमेशा अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए। सरकार के काम में बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दोस्तों, इंडिया में सरकार के काम के बारे में जान से हम अपने आप को और अपने सोसाइटी को भी एम्पावर कर सकते हैं। इंडिया में सरकार के पॉलिसीज और काम लोगों के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं और आईली हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हम अपने सरकार के काम और पॉलिसीज को फॉलो करते हैं और हमारे टैक्स मनी से सरकार के काम में इन्वेस्ट करते हैं। सरकार के काम में बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि करप्शन, लैक ऑफ रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इन सभी चैलेंजेस के अगेंस्ट हम अपने सरकार के काम और पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए और सरकार के वर्क को फॉलो करते हुए अपने राइट्स के बारे में भी नॉलेजेबल होना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में सरकार के काम के बारे में जान से हम अपने आप को और अपने सोसाइटी को भी एम्पावर कर सकते हैं। और ये डेटा सपोर्ट करता है कि इंडिया में करप्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और सरकार के पॉलिसीज और काम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सर्वे, इंडिया रैंक्स 116th आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और ये भी शो करता है कि इंडिया में सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
इन सभी चैलेंजेस के अगेंस्ट हम अपने सरकार के काम और पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए हम अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए और सरकार के वर्क को फॉलो करते हुए अपने राइट्स के बारे में भी नॉलेजेबल होना चाहिए। इन कंक्लूजन, इंडिया में सरकार का काम एक इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जहां हमें अपने ओपिनियंस और सजेशंस देना चाहिए और सरकार के पॉलिसीज और काम को क्रिटिकली एनालाइज करके उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाना चाहिए। To Malayti next episode pe thanks for watching, subscribing, liking. Love you dil se, bye, have a great life. Share this video with all social media friends, family and every Indian people. Bye, love you all.